Sponsored by Shri Nataraj Oils. Pure Edible Oils. अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध कथा वाचक भगवत मर्मज्ञ परम पूज्य श्री रमेश भोई ओझा के मुखारविंद से एक शाम श्री हरि के नाम का प्रवचन इंदौर निजामाबाद शहर के भूमा रेड्डी कन्वेंशन हॉल में गुरुवार 22 दिसंबर को शाम के 5:15 बजे से रात 8 बजे तक हुआ। प्रवचन में भाई श्री ने कश्यप ऋषि, अदिति माता, दीति माता की कथा, सूरज चंद्रमा प्रातःकाल एवं सायंकाल के बारे में वर्णन किया। भाई श्री के मुखारविंद से सभी भक्तों ने भजन का आनंद लिया। बड़ी भारी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। प्रवचन, पूजा, आरती के बाद मां प्रसाद का आयोजन किया। इस सफल कार्यक्रम का आयोजन ओम प्रकाश शिव प्रकाश दाईमा परिवार द्वारा किया गया। तेलंगाना निजामाबाद, नव भारत समाचार से जुगल पांडे की रिपोर्ट। ऐसा क्यों? अब कथा सुनो।
एक दिन की बात है, संध्या ढल रही थी, सूर्य नारायण अस्ताचल में अपने आश्रम में कश्यप ऋषि सायं संध्या करके और यज्ञ वेदिका में प्रकट अग्नि में आहुति देकर सायं होम करके वहां बैठे हुए परब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, हाथ में माला थी, जप चल रहे थे। उस समय ये बीती के पास में बैठ गई, माला जपते जपते पति ने देखा पत्नी के उसकी आंख में कामुकता थी, मानो कह रही हो ये माला वाला वचन सब पूरा करो ना जल्दी। गृहस्थ थे हमारे सभी ऋषि, सन्यासी अलग चीज होती है, वो विरक्त होता है। ऋषि चाहे अत्रि हो चाहे वशिष्ठ हो चाहे कश्यप हो, ये ऋषि गृहस्थ है। अपना नित्य संध्या वंदन किया, हाँ दीदी कुछ कहना है? उसने पति के संग की कामना करी, गृहस्थ के लिए स्वागत है। कश्यप ऋषि ने गर्भारंभ किया और उसके पश्चात स्नान करके आचमन करके सामने अब दीदी ने वो जो काम का आवेश था जब शांत हो गया, पति के पास आई, थोड़ा लजाई कि मैं अपने मन पर संयम रख पाऊं, मेरी गलती को क्षमा कर। कश्यप ऋषि ने कहा तुम्हारे गर्भ से जो पैदा होकर दैवती होगा, सुन रहे हो, पति पत्नी ही है लेकिन संध्या समय में जो भोजन और भोग के लिए नहीं है उसमें जब भोजन किया जाता है या विषय भोग किया जाता है संतति राक्षसी होगी। भागवत के आचार्य कहते हैं चार दोष दीदी माता में आ गए। एक तो अपने मन का असंयम का दोष, मन के असंयम का दोष, दूसरा कालगत दोष क्योंकि संध्या काल, तीसरा देवापराध कृत दोष क्योंकि कश्यप ऋषि ने समझाया था कि देवी संध्या समय में शिव भवानी विचरण करने निकलते हैं, मर्यादा रखो, उनका अपराध हो जाएगा। गृहस्थों ये कथा क्यों सुना रहा हूं आज की शाम, क्योंकि शाम से संबंधित ये कथा है। देवा
जी के आज्ञा